हेलो फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि आपको इनकम टैक्स का फॉर्म 10E कैसे बनाना है और बनाने के बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आपको कैसे फिल आउट करना है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आपको मेरे ये सेक्शन वीडियो सेक्शन में जाके ये वीडियो देख सकते हो। ऊपर आई बटन में भी आपको ये इसका लिंक दे दूंगा। आज दोस्तों बात करते हैं, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि आखिर फॉर्म 10E को वेरीफाई कैसे करना है, ई वेरीफाई कैसे करना है जब आप इसको सबमिट करते हो लास्ट स्टेप के ऊपर। तो उसके लिए आज मैं आपको लाइव प्रोसेस इसका बता देता हूँ कि आखिर इसको ई वेरीफाई कैसे करना है। दोस्तों पहले वाला प्रोसेस आप उस वीडियो में देख सकते हो जिसमें मैंने फॉर्म 10E बनाना और ऑनलाइन फिल करने के लिए आपको बताया था। जब आप उसको फिल करने के बाद उसको सबसे लास्ट स्टेप में आ जाता है प्रोसीड टू ई वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। उससे पहले आपको फॉर्म 10E को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसकी सॉफ्ट कॉपी में इसको चेक कर लेना है कि जो भरा गया है सारा सही भरा गया है। ई वेरीफाई जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिलती हैं। सबसे पहले वाली तो आपको OTP के ज़रिए, जो कि आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, और साथ ही आपको DSC डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के ज़रिए आप इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शंस के नीचे आती हैं EVC इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड आप नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर बैंक अकाउंट के थ्रू, डीमैट अकाउंट के थ्रू आप इनको जनरेट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे आसान ऑप्शन है, आपको जाना है OTP जो कि आपके मोबाइल पे आएगा आधार नंबर के ज़रिए, आधार OTP के ज़रिए इसको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप आधार वाले ऑप्शन पे ऊपर टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपको मैसेज आता है कि एक आपका OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज के रूप में जाएगा। यहाँ पे आई एग्री बॉक्स के ऊपर टिक करने के बाद जनरेट आधार OTP क्लिक करेंगे, एक OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा जो नंबर आपका आधार के साथ अटैच है। कई बार लोगों को ये समस्या आती है कि उनका जो आधार नंबर है उनके पैन कार्ड के साथ अटैच नहीं होता और इस OTP को जनरेट करने में मुश्किल आ सकती है। ये वेरीफाई कर लीजिए कि आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर और पैन कार्ड के साथ अटैच होना चाहिए पहले से। जैसे ही आपका OTP आएगा, OTP भर देंगे, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट के बाद एक कंफर्मेशन आएगी कि आप फाइनली आपका फॉर्म 10E सबमिट करना चाहते हैं, यस और नो। यस के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका ये फॉर्म 10E सबमिट हो जाएगा। फॉर्म फॉर क्लेमिंग रिलीफ अंडर द सेक्शन 89 फॉर्म नंबर 10E ये सबमिट हो जाएगा। और सबमिट होने के बाद आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी और एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक्नॉलेजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ इस तरह की एक्नॉलेजमेंट होगी इनकम टैक्स की साइट्स की तरफ से, जो कि आपको डाउनलोड कर लेनी है और उसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर और आपकी डिटेल आएगी। इस एक्नॉलेजमेंट में दोस्तों आपने जो भी फिगर्स भरी हैं उनका कोई भी डाटा नहीं आएगा, इसलिए जब आप ई वेरीफाई करेंगे तो ई वेरीफाई करने से पहले आपको डाउनलोड करने के ऑप्शन देता है, वहां से जाके आपको इसको पहले ही डाउनलोड करके रख लेना है। इसके बाद आपको फाइनली बिना किसी फिगर्स के एक जस्ट एक्नॉलेजमेंट रिसीट आएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये थी दोस्तों कि आपको कैसे ई वेरीफाई करना है फॉर्म 10E को। कई मुझे कमेंट्स आए थे इसलिए ये दूसरी वीडियो अपलोड करनी पड़ी। तो बने रहिए हमारे चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट के साथ ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए। थैंक यू।